नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका करंट अफेयर में आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का महान्यायवादी, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भारत का महान्यायवादी कौन है। अभी हाल ही में, प्रेजेंट में, भारत का महान्यायवादी वर्तमान में के वेणुगोपाल है। क्या है? के वेणुगोपाल। उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये भारत का महान्यायवादी क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है भारत का महान्यायवादी संविधान के भाग पांच में, संविधान के भाग कौन से में, संविधान के भाग पांच में, कौन से भाग में, संविधान के भाग पांच और अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल शब्द का उल्लेख मिलता है। मतलब संविधान के भाग पांच में अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है या पद सृजित नाम मिलता है इसका। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के लिए एक महान्यायवादी होना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न क्या आता है, भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है। भारत का प्रथम क्या होता है, लॉ ऑफिसर होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और उसके बाद में एक प्रश्न आता है भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो आपको ध्यान में रखना है भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। उसके बाद में ध्यान में रखना है अनुच्छेद 88 में ये चीज आती है, ध्यान में रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 78 में कहा गया था कि भारत का महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है, संविधान के अनुच्छेद 78 में कहा गया कि भारत का महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखें, संविधान के अनुच्छेद 88 में कहा गया कि वह संसद के दोनों सदनों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं दे सकता। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, तो भारत का प्रथम महान्यायवादी आपको पता है एम सिंह शीतलवाड़ा था। प्रथम जो महान्यायवादी था अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रथम महान्यायवादी एम सी शीतलवाड़ा। और वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, आपको मैंने बता ही दिया, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी के वेणुगोपाल। अब उसके बाद में जब भारत का महान्यायवादी नहीं होता तो उसके बाद में उसके अलावा अतिरिक्त मतलब सोलिसिटर जनरल होता है। उस मतलब महान्यायवादी जब नहीं होता है तो उसका कार्य कौन करता है, सोलिसिटर जनरल करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त महान्यायवादी। और वर्तमान में अतिरिक्त जो महान्यायवादी है, अतिरिक्त जो महान्यायवादी है वो है तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। वर्तमान में जो अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, तुषार मेहता। तो हम कह सकते हैं कि संविधान के भारत का महान्यायवादी एक ऐसा अधिकारी होता है जो प्रथम लॉ ऑफिसर कहलाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख मिलता है, भाग संविधान का भाग पांच अनुच्छेद 88 में कहा गया कि यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद के दोनों सदनों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन अपनी वोटिंग नहीं कर सकता। और भारत के महान्यायवादी को आपको पता है 1,00,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, और अन्य जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका जो मूल वेतन है वो होता है 90,000 रुपए, और भारत की संचित निधि से ये क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो पहला महान्यायवादी कौन था, एम सी शीतलवाड़ा। वर्तमान में जो महान्यायवादी है वह के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल वर्तमान में क्या है, महान्यायवादी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो है वो भारत का अटॉर्नी जनरल से संबंधित था। बाकी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने और कम समय कम होने के कारण इतने बताएं। धन्यवाद।